हमारा अगला टॉपिक है इफ एल इफ। तो इफ एल इफ के ऊपर हम एक प्रोग्राम एग्जांपल के साथ बताते हैं कि इसमें हमारे पास 1 to 7 डे नंबर है, उनकी सहायता से हमें बताना है कि एक नंबर इनपुट करें तो हमारे पास आ जाए संडे, 2 पे इनपुट करें तो हमारे पास आ जाए मंडे, एसओ। तो इस प्रोग्राम का नाम हमने रखा है डे नंबर 2 डे नेम। ठीक है, इसके अंदर इफ एल इफ का यूज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक डे वेरिएबल हमने रीड करना है, इंटीजर इनपुट इंटर डे नंबर, इसके अंदर हम स्पेसिफाई कर देते हैं 1 to 7। ओके, 1 to 7। अब देखिए इफ डे इज इक्वल टू 1, अगर 1 है तो हम प्रिंट करवा देंगे संडे। ओके, एलिफ डे इज इक्वल टू 2, अगर 2 है तो हम प्रिंट करवा देंगे मंडे। इसी प्रकार से एलिफ डे इज इक्वल टू 3 तो हम प्रिंट करवा देंगे ट्यूसडे। ओके, इसी तरह से एल्स इफ डे इज इक्वल टू 4 है तो हम करवा देंगे वेनसडे। ओके, एल्स इफ डे इज इक्वल टू 5 है तो हम इसमें प्रिंट करवाएंगे थर्सडे, और 6 है तो हम प्रिंट करवा देंगे फ्राइडे। ओके, और अगर 7 है तो हम प्रिंट करवाएंगे सैटरडे। ओके, अब लास्ट के अंदर हमारे पास एल्स है, इसके अंदर हम एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे इनवैलिड डे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इफ एलिफ को लेके प्रोग्राम बनाया। चलिए इसको रन करते हैं शिफ्ट कंट्रोल की सहायता से। सपोज मैंने दिया 1, इसने दिया संडे, फिर अगेन रन करता हूं मैं, इस बार मैंने सपोज दिया 5, इसने कर दिया थर्सडे, अगेन रन करता हूं, अब सपोज मैं इसको देता हूं 7, इसने सैटरडे किया, अब 8 देता हूं
invalid day. तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस तरह से if elif का यूज करते हुए हमने प्रोग्राम किया. धन्यवाद.